उत्तराखंड के जो मुसलमान है वो समझदार है, एक तरफ से दो देवभूमि के स्वरूप को समझते हैं, वो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए मैं प्रारंभ से कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर आतंक बहुत लंबे समय से अनेक गाँव मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ कि उत्तराखंड का ये मुस्लिम समुदाय हो नहीं सकता है। वो यहाँ के देवतुल्य स्वरूप को भी समझता है, यहाँ के रहन सहन को भी समझता है, और अनेकों स्थानों पर यहाँ के धार्मिक स्थलों पर उनका जाना होता है, हमारी पद्धतियों का वो पूजा पद्धति भी कई बार अपनाते हुए मैंने उनको देखा है। ये जो भी षड्यंत्र हो रहा है ये उत्तराखंड के बाहर के ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा हो रहा है जो इस देवभूमि के स्वरूप को के अंदर इस प्रकार का वातावरण खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें थराली की घटना हो, उसमें मसूरी की घटना हो, और जिस प्रकार का ये सब घटना का जब जब उसका जांच होती है, जब जो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो सीधी सीधी बात, वो व्यक्ति उत्तराखंड देवभूमि का नहीं होता है। इसलिए मैं इस बात को बहुत दावे से कह रहा हूँ, यहाँ के मुसलमानों को अब चाहिए ऐसे तत्वों के खिलाफ वो भी सख्त कार्रवाई करें। मुझे अच्छा लगा जब मसूरी के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के स्थानीय लोग थे उन्होंने भी कड़ी कार्रवाई की बात की है। तो सत्य बात है कि अब यहाँ का मुसलमान समुदाय भी समझ चुका है कि देवभूमि के शांतिपूर्ण वातावरण को खराब करने के लिए जो तत्व बाहर से आ रहे हैं उन तत्वों के खिलाफ अब उत्तराखंड का मुसलमान ही खड़ा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। कन्या पूजन भी आपने किया, किस तरीके से आपने